हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ये हमारे पास फ़ोन है, माइक्रोमैक्स का है, जिसका मॉडल नंबर दोस्तों इसका मॉडल नंबर है Q352। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके जो वॉल्यूम अप डाउन बटन है और पावर बटन। तो दोस्तों, ये टूट गए हैं, इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये देख लीजिए, सारे टूट गए हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि इसमें दूसरा बटन कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, आपको तभी समझ में आएगा वीडियो पूरा। तो देखते हैं कैसे लगता है इसमें बटन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले इसे खोल लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, ध्यान रहे फ़ोन के, सारे मिनट आप निकाल लें, उसके बाद ही फ़ोन को खोलें, ताकि खोलने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देख लीजिए दोस्तों, इसके जो पॉइंट हैं वो ये चार हैं, जिसमें से दो पॉइंट, एक पॉइंट तो ग्राउंड होगा और एक वॉल्यूम का होगा और एक पावर बटन का होगा दोस्तों। तो मेरे पास एक तो दोस्तों ये मेरे पास ये बटन है, तो हम आज इसमें लगा के देखेंगे कि ये फ़ोन ऑन होता है कि नहीं होता है। दोस्तों, ये फ़ोन चार्जिंग में लगा के तो ऑन हो जा रहा है, लेकिन बटन ना होने के कारण इसको बटन से जो होते हैं इसके वॉल्यूम की जो होती है उस ना होने के कारण इसे ऑन, ये ऑन नहीं हो पा रहा। तो अभी हम देखते हैं इसको लगा के। उसके बाद आप दोस्तों मल्टीमीटर से चेक कर लीजिए। तो दोस्तों देख लीजिए, तीनों जो पॉइंट है इनमें पूरी पावर आ रही है, और जो एक है ये ग्राउंड है। तो हम एक जम्पर यहाँ से लेंगे और एक जम्पर यहाँ से लेंगे, तो उसके बाद देखेंगे फ़ोन ऑन होता है कि नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं।
दोस्तों ये लग गया है बटन, उसके बाद हम चेक कर लेते हैं ऑन होता है कि नहीं होता है। देख लीजिए दोस्तों ऑन हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपका बटन भी टूट के जो वॉल्यूम की होती है, पावर की होती है, तो वो बटन या की जो है वो अगर आप टूट जाती है या किसी कारण से टूट जाती है, तो फिर आप ऐसे करके उसका बटन लगा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इसी तरीके से आप वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी पावर बटन कई दोस्तों मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने आपको लगा के दिखा दिया। तो इस तरीके से आपको अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए दोस्तों, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए दोस्तों। तो वीडियो यहीं तक था दोस्तों, धन्यवाद।